जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल के सलाहकार बशीर अहमद खान ने स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों, बाल सुरक्षा और बिजली विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा के अलावा जिले में हो रहे विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण करने के लिए आज कुलगाम का व्यापक दौरा किया, जिसके बाद सलाहकार ने जिला विकास परिषद के अध्यक्ष मोहम्मद अफजल परे, उपायुक्त डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन भट्ट, निदेशक ग्रामीण विकास तारिक अहमद जरगर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गुरिंदर पाल सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। उपायुक्त ने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से जिले के विभिन्न क्षेत्रों में दर्जा उपलब्धि पर प्रकाश डाला, साथ ही अलाव मोबाइल ऐप का ई उद्घाटन भी किया गया। पूरी खबर देखें विस्तार से एबीडी न्यूज के लिए संवाददाता आशिक अली की यह रिपोर्ट। रोड पे चलती है जिससे रोड बारहा खराब हो जाता है। तीसरी बात, जो लाइटिंग सिस्टम है खासकर म्युनिसिपल हदूद में, तो वो भी पूरी तरह से कामयाब नहीं है। हत्ता कि मतलब इलेक्ट्रिक सिस्टम, इलेक्ट्रिक वाले ये मतलब कोशिश कर रहे हैं उसको ठीक करने के लिए। हमने बारहा कहा कि रोड जाम के लिए जो आपने पोल बीच सड़कों में लगाए हैं उनको साइडों में कीजिए, या ऐसे तारों का इंतज़ाम करिए जिससे मतलब बाहर बाहर से ये तार लगे वायर लग जाए, ताकि मतलब पोलों का मसला ना हो, ताकि ट्रैफिक जाम में उससे भी खलल होता है। इसलिए हमें आज उम्मीद है, ये एडवाइज़र बशीर अहमद खान साहब आ गए हैं, हालांकि इसके नोटिस में तमाम चीज़ें हैं, इसको बताने की ज़रूरत भी नहीं है। मतलब एक बात है, जो ही ये कोई काम सुनता है, कोई अल्फाज सुनता है, इसके नोटिस में नॉलेज में आता है, तो मुझे उम्मीद है आज आ गए हैं ये कोई ना कोई